सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं नोबडी के बारे में। ये कहानी है हच की, जो कि एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन इसका अतीत कुछ ऐसा है जो इसे असाधारण बनाता है। और इस फिल्म में वर्तमान में भी उसके साथ कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण उसे फिर से असाधारण बनना पड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम हच को एक इंट्रोगेशन रूम में देखते हैं, जहां उसको बहुत ही ज्यादा चोट लगा है और वो घायल पड़ा हुआ है। और उसके सामने दो पुलिस वाले भी हैं, जो उससे कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं। और इतनी चीजें दिखाने के बाद ये कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और यहाँ पे हम हच को एक आम आदमी की जिंदगी जीते हुए देखते हैं। इसका एक छोटा सा परिवार है, जिसमें इसकी बीबी और दो बच्चे हैं, और अपने घर में उसको जितनी इज्जत मिलनी चाहिए उतनी इज्जत उसे नहीं मिलती, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं किया है और वो एक ढंग का काम तक नहीं करता है। वो अपना घर चलाने के लिए अपने ससुर के एक छोटे से फैक्ट्री में काम करता है और एक बहुत ही बोरिंग जिंदगी जीता है और अपने घिसे पीटे रूटीन को फॉलो करता है। और दिन भर काम करके आने के बाद हच को घर में भी ताना सुनने को मिलता है। उसकी वाइफ बेका उससे सीधे मुंह बात नहीं करती। हच का एक बेटा है जिसका नाम है ब्लेक। वो अपने पिता को लूजर समझता है और उन्हें कभी भी पिता होने का दर्जा नहीं देता। लेकिन हच के लिए इस घर को घर बना करके रखा है उसकी बेटी ने, जिसका नाम है सैमी। और अगर हच किसी से सबसे ज्यादा करीब है तो अपनी बेटी से, और वो अपना ज्यादातर वक्त अपनी बेटी के साथ बिताता है। और हच की जिंदगी ऐसे ही चली जा रही होती है। लेकिन एक रात जब हच सो रहा होता है, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं और उसे लगता है कि उसके घर में कोई घुस आया है। और जब हच जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके घर में सच में दो चोर घुस आए हैं। और इन्हें देखने के बाद हच पुलिस को कॉल कर ही रहा होता है, तभी ये लोग उसे देख लेते हैं। और उसके बाद ये लोग उस पे गन तान देते हैं और कहते हैं कि अभी के अभी अपना फोन नीचे रखो। और हच जब फोन नीचे रखता है, तब दूसरा चोर उसे कहता है कि तुम्हारे पास जितने पैसे हो वो अभी के अभी हमें दे दो। और इस आवाज को सुनने के बाद हच को पता चलता है कि ये एक लड़की है। और हच इन्हें यहाँ पे बताता है कि इसके पास कोई भी पैसे नहीं है। तभी चोरों की नजर पड़ती है पास में रखे एक बाउल पे, जिसमें थोड़े बहुत पैसे होते हैं। उसके बाद ये चोर उन पैसों को उठाने लगते हैं, तभी इनकी नजर पड़ती है हच के घड़ी पे। उसके बाद ये लड़की हच की घड़ी भी निकालने लगती है, तभी हच की नजर पड़ती है इस लड़की के हाथ पे बने हुए टैटू पे। और ये सारी चीजें लेने के बाद ये दोनों चोर यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं, तभी यहाँ पे हच का बेटा ब्लेक आ जाता है और उसके बाद वो चोरों पे हमला कर देता है। लेकिन हच उसका साथ देने के बजाय उल्टा ब्लेक को ही रोकने लगता है। तभी एक चोर ब्लेक को एक जोरदार पंच मारता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। और चोरों के जाने के बाद ब्लैक हच को बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहता है और उसे एहसास दिलाता है कि वो एक लूजर और एक डरपोक है। और फिर थोड़े समय के बाद यहाँ पे पुलिस आती है, और पुलिस आने के बाद सबसे पहला सवाल यही पूछती है कि क्या सब लोग सुरक्षित हैं। और इस शब्द को सुनने के बाद हच को लगता है कि उसने गलती की है, उसे ब्लैक की मदद करनी चाहिए थी और उन्हें रोकना चाहिए था, क्योंकि उन चोरों के पास हथियार था, वो कुछ भी कर सकते थे, वो किसी को भी चोट पहुंचा सकते थे। इसीलिए अब हच को भी लग रहा है कि वो एक डरपोक है। और फिर अगली सुबह जब हच अपने बेटे का चेहरा देखता है, तो उसे एक बार फिर से इस बात का रियलाइज होता है कि वो एक डरपोक है। और फिर जब हच बाहर निकलता है, तो उसके पड़ोसी भी उसे कहते हैं कि तुम्हें उन चोरों का मुकाबला जरूर करना चाहिए था। तब से हच के लिए चीजें बदलने लगती है। उसके बाद जब वो फैक्ट्री काम पे जाता है, तो उसका साला भी उससे वही बात कहता है और कहता है कि तुम्हें उन चोरों का मुकाबला डट के करना चाहिए था। इसीलिए वो उसे एक बंदूक देता है और कहता है कि अगली बार कुछ ऐसा हो तो उन्हें गोली मार देना। और इतना कहने के बाद हच का साला चार्ली यहाँ से चला जाता है, और उस बंदूक के साथ हच पहुंचता है अपने केबिन में। और उसके बाद वो अपने सौतेले भाई से बात करता है, जिसका नाम है हैरी। और वो अपने सौतेले भाई को कहता है कि कल रात मेरे घर पे दो चोर घुस आए थे, उसमें से एक लड़की थी जिसके पास एक बंदूक थी। और हच यहाँ पे उस बंदूक के बारे में कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स बताता है और ये भी कहता है कि उस बंदूक में गोली नहीं थी। और हच इन सारी चीजों को इतना डिटेल में कैसे जानता है, इसके बारे में हम कहानी में आगे जानेंगे। और हच अपने भाई से ये भी कहता है कि उन दोनों चोरों की उम्र बहुत ही कम थी, इसलिए मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसीलिए मैंने उन पे हमला करने का सोचा भी नहीं। और फिर शाम को हच पहुंचता है अपने घर, तब वो देखता है कि उसकी बेटी सैमी बहुत ही निराश है, क्योंकि उसका ब्रेसलेट नहीं मिल रहा जो उसे बहुत ही प्यारा था। और सैमी ने उस ब्रेसलेट को उसी बाउल में रखा था जिसमें पैसे थे। और ये सुनते ही हच समझ जाता है कि वो चोर पैसों के साथ साथ सैमी का ब्रेसलेट भी ले गए। और इस चीज को जानते ही हच को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो सैमी से बहुत प्यार करता है। और ये देखते ही हच पहुंचता है अपने फादर के पास, जिनका नाम है डेविड मानसेल, और ये एक FBI रिटायर्ड एजेंट है। और यहाँ आते ही हच डेविड का बैच और बंदूक ले लेता है और उन चोरों को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। और हच को देखने के बाद डेविड भी समझ चुका है कि आखिर हच अब क्या करने जा रहा है।
उसके बाद हच सारे टैटू की दुकानों में घूमने लगता है और सबको वो टैटू दिखाता है जो उस लड़की के हाथ पे बना था और उसके बारे में पूछने लगता है। और बहुत सारे दुकानों में घूमने के बाद जब हच एक दुकान में पहुंचता है तो वहां बैठा एक आदमी इस बैज को देख के कहता है कि ये बैज तो 20 साल पहले एक्सपायर हो चुका है। और ये सुनते ही यहां पे बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं और उसके बाद वो हच को मारने ही वाले होते हैं। तभी हच कुछ पैसे निकालता है और कहता है कि इन पैसों को लो और मुझे उस लड़की के बारे में बताओ जिसके हाथ पे वो टैटू है। और हच जैसे ही पैसे दे रहा होता है तभी शॉप का मालिक हच के हाथ पे बने हुए एक टैटू को देखता है और टैटू को देखने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है और उसके बाद वो हच से पैसे भी नहीं लेता और अपने आदमियों को कहता है कि इस आदमी को जो कुछ चाहिए वो दे दो। और इतना कहने के बाद वो आदमी यहाँ से जा करके अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। और फिर शॉप का एक कारीगर हच को उस लड़की के बारे में बताता है जिसके हाथ पे उसने टैटू बनाया था और उसके साथ साथ वो हच को उसका एड्रेस भी देता है। और फिर हच पहुंचता है उन दोनों के घर पे और घर में घुसते ही सबसे पहले वो लड़के की धुलाई करता है और उसके बाद उस लड़की पे बंदूक तान के कहता है कि मुझे मेरी घड़ी और ब्रेसलेट दो। उसके बाद वो लड़की उसे घड़ी दे देती है लेकिन कहती है कि उसे ब्रेसलेट के बारे में कुछ भी नहीं पता। और ये सुनते ही हच और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ती है और जब हच उस बच्चे को देखता है तब उसे नजर आता है कि उस बच्चे के चेहरे पे मास्क लगा है और वो बच्चा बहुत ही ज्यादा बीमार है। तभी वो दोनों चोर इसके पास आते हैं और कहते हैं कि हमने ये चोरी मजबूरी में की थी अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए। और ये सुनते ही हच इन दोनों को बिना चोट पहुंचाए यहां से निकल जाता है। लेकिन हच अभी भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो एक बस में बैठा है और घर जा रहा है। तभी इस बस में कुछ गुंडे घुस आते हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा शराब पी रखी है और वो बिल्कुल भी होश में नहीं है। और इस बस में घुसते ही वो एक लड़की को छेड़ने लगते हैं। ये देखते ही हच और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो बस के ड्राइवर को बाहर निकाल करके दरवाजा बंद कर देता है। और ये देखने के बाद वो गुंडे हंसने लगते हैं और हच का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम भी इस बस से बाहर निकल जाओ। तब हच उन सारे गुंडों को पीटने लगता है और उसके बाद पीटते पीटते एक गुंडा हच को चाकू मार देता है। उसके बाद हच नीचे गिरता है और जब वो दोबारा उठता है तब बड़ी ही बेरहमी के साथ उन सारे गुंडों को मारता है। और फिर सारे ही गुंडे बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और हच अपने घर लौट आता है। लेकिन इस लड़ाई में हच का क्रेडिट कार्ड उसी बस के अंदर छूट गया है। फिर अगले दृश्य में हम एक रशियन गैंगस्टर को देखते हैं जिसका नाम है यूलियान कुजनेत्सो। और बस में हच ने जितने लोगों को मारा उसमें यूलियान का छोटा भाई भी था। और जब ये बात यूलियान को पता चलती है तब वो हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां वो देखता है कि उसका भाई बहुत ही बुरी तरीके से घायल है और वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। तब यूलियान सबसे पूछता है कि आखिर मेरे भाई की ऐसी हालत किसने की। तब वो लोग बताते हैं कि बस में हमें एक आदमी मिला था और उसने हमें बहुत ही बुरी तरीके से पीटा। और फिर वो हच का क्रेडिट कार्ड यूलियान को देते हैं। और फिर हम हच को देखते हैं जो कि अपने घर पे अपने बेटी के साथ है। तभी उसके घर का फोन बजता है और जब हच फोन उठाता है तब उसका सौतेला भाई हैरी उससे कहता है कि तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो क्योंकि जितने लोगों को तुमने बस में मारा था उसमें एक लड़का यूलियान का भाई था और यूलियान एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है और अब वो तुम्हें ढूंढ रहा है। और अगर तुम इन सारी चीजों से बचना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक आदमी का नंबर देता हूँ, उसके पास जाओ। फिर हैच उस आदमी के पास जाता है जिसका नंबर हैरी ने दिया था और इस आदमी को सारे लोग दी बार्बर कह के बुलाते हैं। और बार्बर यहाँ पे हच से कहता है कि तुमने बहुत ही खराब आदमी से पंगा लिया है। यूलियान एक ऐसा दरिंदा है जो कि सिर्फ अपने दुश्मन को नहीं बल्कि उसके सारे परिवार को खत्म कर देता है। इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि अपने परिवार को लेकर के यहाँ से जल्द निकल जाओ। और ये सारी बातें सुनने के बाद हच अपने घर वापस आ जाता है और घर आते ही अपने पत्नी और बच्चों से कहता है कि हम एक वेकेशन पे जाएंगे इटली और वहाँ पे हम कुछ महीने बिताएंगे फिर हम वापस आएंगे। और घर के सारे लोग इस चीज के लिए मान भी जाते हैं। तभी हच देखता है कि उसके घर की तरफ कुछ गाड़ियां चली आ रही हैं और इन गाड़ियों को देखते ही हच समझ जाता है कि ये यूलियान के लोग हैं। उसके बाद वो अपने बीवी बच्चों को बेसमेंट में लेकर के जाता है और उन्हें वहां पे छोड़ देता है और कहता है कि यहां पे कुछ भी हो तुम लोग बाहर मत आना। फिर हच घर में वापस आ जाता है। तभी वो सारे गुंडे घर के अंदर घुस जाते हैं। फिर हच उसमें से कुछ आदमियों को मारता है और उसके बाद उनकी बंदूक छीन लेता है और उसी बंदूक से उनपे गोलियां चलाने लगता है और यूलियान के बहुत सारे लोगों को मार देता है। तभी एक आदमी पीछे से आता है और उसके बाद वो हच को इलेक्ट्रिक शॉक्स दे देता है जिससे हच बेहोश हो जाता है। फिर ये लोग हच की बॉडी को उठाते हैं और अपनी कार की डिक्की में बंद करके यूलियान के पास लेकर के जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हच को होश आता है वो देखता है कि उसके पास एक फायर ग्रेनाइड पड़ा हुआ है।
फिर हज कार के पीछे वाली सीट से कार के अंदर घुस जाता है और उसके बाद पूरे गाड़ी में धुआं फैला देता है। उसके बाद लोगों को सामने का कुछ नहीं दिखता और ये गाड़ी जाकर के एक खंबे से टकरा जाती है और फिर ये गाड़ी पलट जाता है और उसके बाद सारे लोग बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। तब हज वहाँ से बाहर निकलता है और उसके बाद उसे एक आदमी पूछता है कि तुम कौन हो, तो कहता है आई एम नोबडी। फिर हज अपने घर वापस आता है और उसके बाद अपने बीवी बच्चों को बेसमेंट से बाहर निकालता है और उसके बाद अपनी पत्नी से कहता है कि यहाँ पे चीजें और भी खराब होने वाली हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बच्चों को लेकर के यहाँ से कहीं दूर चली जाओ और जैसे ही यहाँ की स्थिति ठीक हो जाएगी उसके बाद मैं तुम्हें खुद लेने आऊंगा। और हज की पत्नी समझ जाती है कि हालात अभी बहुत नाजुक हैं, इसलिए वो अपने दोनों बच्चों को लेकर के यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद हमें हज की कहानी देखने को मिलती है और हमें पता चलता है कि हज पहले एक कातिल था और वो एक बड़ी एजेंसी के लिए काम करता था और वो ऐसे लोगों को पकड़ता था और उनका खून करता था जिससे दुनिया हार मान जाती थी और उन्हें कोई भी नहीं पकड़ पाता था। तब वो काम दिया जाता था हज को और उसके बाद हज उस आदमी को ढूंढ के उसका खून कर देता था। और हज की जिंदगी ऐसी ही चली जा रही थी, लेकिन एक दिन जब वो एक हत्यारे को मार रहा था तब वो कहता है कि मुझे छोड़ दो क्योंकि मैंने सारा गलत काम छोड़ दिया है और अब मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे एक आखिरी मौका दे करके देखो। और ये सुनने के बाद हज को उस पे दया आ जाती है और वो उसे छोड़ देता है। और फिर थोड़े वक्त के बाद जब हज इस बात की पुष्टि करने उस आदमी के घर जाता है तो देखता है कि वो आदमी सच में सुधर चुका है और उसका एक प्यारा सा परिवार है और उसके परिवार में सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। और ये देखते ही हज को लगता है कि सारे लोगों को सुधारा जा सकता है और सिर्फ उनका कत्ल करना ही एक रास्ता नहीं है। और तब से हज उस काम को छोड़ देता है और वो भी एक साधारण जिंदगी जीने लगता है और अपना एक सुखी परिवार बनाता है। और फिर हम देखते हैं कि अपने बीवी बच्चों को भेजने के बाद हज वापस बेसमेंट में जाता है जहां उसे अपनी बेटी का ब्रेसलेट मिलता है, जिसे देखने के बाद वो सोचता है कि अगर ये ब्रेसलेट पहले मिल गया होता तो ये सारा बखेड़ा होता ही नहीं। लेकिन अब हज पीछे नहीं हट सकता क्योंकि वो बहुत ही आगे निकल आया है, इसलिए वो अपना अगला चाल चलता है और वो अपने पूरे घर को आग लगा देता है और अपने घर के साथ साथ यूलियन के सारे आदमियों को जला देता है जिसको उसने मारा था। तभी यूलियन को पता लग जाता है कि जितने भी आदमियों को उसने हज को पकड़ने के लिए भेजा था वो सारे मारे जा चुके हैं। और ये देखते ही यूलियन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने सारे आदमियों को बुलाने लगता है। तभी हम फिर से हज को देखते हैं जो लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है क्योंकि उसे पता है कि उसने जो भी किया है उसके बाद यूलियन उसका जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा और अगर हज को अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जीनी है तो उसे यूलियन को खत्म करना पड़ेगा। इसीलिए वो अपने सारे हथियारों को बाहर निकालता है और उसके बाद पहुंचता है यूलियन के अड्डे पे जहां यूलियन अपना सारा काला धंधा करता है। और यहां आने के बाद हज यहां के सारे लोगों को मार देता है और उसके बाद उस कमरे में जाता है जहां पे सारा पैसा रखा हुआ है। और यहाँ आते ही हज इन सारे पैसों को जला के राख कर देता है और पैसों को जलाने के बाद वो पहुंचता है यूलियन के क्लब में। और हज को यहाँ पे देखने के बाद यूलियन थोड़ा सरप्राइज होता है और कहता है कि जब गीदड़ की मौत आती है तब वो शहर की तरफ भागता है, इसीलिए तुम यहाँ पे मरने के लिए आए हो। और उसके बाद यूलियन के सारे लोग उस पर बंदूक तान देते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी हज अपने सामने रखा हुआ एक रुमाल हटाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बॉम्ब पड़ा हुआ है। और हज सारे लोगों से कहता है कि कोई भी मेरे पास आएगा तो मैं इस बॉम्ब को उड़ा दूंगा, उसके बाद हम सारे लोग एक साथ मरेंगे। और इस सब के बाद हज यूलियन से कहता है कि मैं तो यहाँ सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ, क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगे? और यूलियन कहता है कि हाँ। उसके बाद वो अपने सारे आदमियों को बाहर भेज देता है। उसके बाद ये दोनों लोग बातें करने लगते हैं। तब हज कहता है कि मैंने बहुत वर्ष मेहनत करने के बाद एक घर बनाया था लेकिन मुझे उस घर को जलाना पड़ा सिर्फ तुम्हारी वजह से, इसीलिए मैंने भी तुम्हारी सालों की मेहनत खराब कर दी और तुम्हारे रखे हुए सारे पैसों को जला के राख कर दिया और यहाँ पे हमारा हिसाब बराबर होता है और अब हम दोनों एक दूसरे को भूल के फिर से अपनी नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन हज को जैसे ही अपने पैसों के बारे में पता चलता है वो गुस्से के मारे आग बबूला होने लगता है। लेकिन हज उससे कहता है कि अगर तुम मुझसे दूर रहोगे तभी सलामत रहोगे, इसलिए कभी भी मेरे पास मत आना। और इतना कहने के बाद हज यहाँ से चला जाता है। लेकिन हज जैसे ही बाहर निकलता है यूलियन अपने सारे लोगों के साथ उसका पीछा करने लगता है और उस पर हमला करने लगता है। और यहाँ से बचते हुए हज पहुँचता है उस फैक्ट्री पे जहाँ वो काम करता है। और यहाँ पे हम हज के सौतेले भाई हैरी को देखते हैं जो कि एक स्नाइपर लेके तैनात है और वो यूलियन के सारे लोगों पे गोली चलाने लगता है। और उसके साथ साथ हम यहाँ पे हज के पिता को भी देखते हैं और उनके हाथ में भी बंदूक है, यानी कि हज ने इन सारी चीजों के लिए पहले प्लानिंग कर ली थी और वो जानबूझ के सबको यहाँ लेकर के आया हुआ है।
और फिर ये सारे लोग इवलियान के सारे लोगों पे हमला कर देते हैं और उसके साथ साथ इन लोगों ने हर जगह इस फैक्ट्री में ट्रैप लगा रखा है, जिसके चपेट में आके इवलियान के सारे लोग धीरे धीरे मरने लगते हैं। तभी हैरी को एक गोली लग जाती है और उसके बाद ये सारे लोग पीछे छुप जाते हैं और हमें पता चलता है कि इन सब की गोलियां खत्म हो चुकी हैं और इवलियान इनकी तरफ एक मशीन गन लेके आगे बढ़ रहा है और इन सबको मारने की कोशिश कर रहा है। तभी हच अपना दिमाग फिर से इस्तेमाल करता है और अपने पास रखी हुई एक बुलेट प्रूफ कांच को उठाता है और उसके बाद उस पे वही बॉम्ब रखता है जिस बॉम्ब को लेकर वो क्लब में गया हुआ था और वो यूलियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है और यूलियान उस पे लगातार गोलियां चला रहा होता है, लेकिन इस बुलेट प्रूफ कांच की वजह से हच को एक भी गोली नहीं लगती। और हच जैसे ही उस बॉम्ब को लेकर के यूलियान के पास पहुंचता है वो बॉम्ब फट जाता है और उसके बाद यूलियान के चीथड़े उड़ जाते हैं और उसके साथ साथ हच को भी यहाँ पे चोट लगती है, लेकिन हच बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हच उठता है और अपने भाई और अपने पिता का शुक्रिया अदा करता है और अब वो जानता है कि यूलियान के मरने के बाद सब कुछ ठीक हो चुका है, इसलिए वो अपनी पत्नी को कॉल करता है और कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और अब हम फिर से एक साथ रह सकते हैं। और हच के इतना कहते ही वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उसके बाद हमें फिर से वही दृश्य देखने को मिलता है जिस दृश्य को हमने फिल्म के शुरुआत में देखा था, कि हच एक इंट्रोगेशन रूम में बैठा है और दो लोग उससे पूछताछ कर रहे हैं। तभी इन दोनों का फोन बजता है और उसके बाद इन्हें कहा जाता है कि इस आदमी को छोड़ दो और ये कॉल इनके सीनियर का होता है क्योंकि हच पहले इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करता था। और फिर हम देखते हैं कि हच अपनी पत्नी के साथ नए घर की तलाश में घूम रहा है ताकि वो एक नया घर खरीद सके और जब वो एक ब्रोकर से मिलता है तो पूछता है कि क्या इस घर के नीचे एक बड़ा सा बेसमेंट है और ब्रोकर कहता है कि हाँ। फिर हम डेविड और हैरी को देखते हैं जिनके गाड़ी में बहुत सारा हथियार है और वो इन हथियारों को लेकर के हच के घर पे आ रहे हैं क्योंकि इन्हें और हच दोनों को पता है कि इन हथियारों की जरूरत कभी भी पड़ सकती है और उसके बाद ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।